हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसन हालत में इस समस्या कितना विकट बा, हम लोगन के कितना निंदा हो सकेला। थोड़ी का सोची के मानी कि ई दैवीय चमत्कार है नंद राय जी के मानी। यशोदा, एह समय हमके तो खाली एक ही रास्ता सुझाई दे रहल बा कि हम यमुना नदी में जाके आपन जान दे। दीदी, दीदी, ना दीदी, ना ना दीदी, ना भाभी ना, आप विश्वास रखी, इसब देवता लोग के काम है, एमे जरूरे शुभ होई। हम तक कम बुद्धि संसारी लोग हैं, देवीय योजना के हम लोग ना समझ सके। तो और के समझ सकेला नंद राय जी, और के समझ सकेला। गुरुदेव, हाँ वो जरूर जानत होइए इस बारे में। हमार कुल गुरु शांडिली साक्षात देवता बाड़न, वो दिव्य दृष्टि से देख के सब कुछ बता सकेलन। हाँ। बेटी, तू तो एगो राजकन्या बाड़ू, तू के साधारण स्त्री के लेखा इतना जल्दी विह्वल ना होके के चाहिए। तोहरा वही देखिला त निंदा करे के जगह हमार हृदय बरबस तो के प्रणाम करे के करे लगेला। ऐसे जरूर कोनो परम दैवी शक्ति है जे तो के माई बने के गौरव प्रदान करे खातिर आयल है। तोहार शरीर में कोनो दिव्य कांति झलक रहल है, जैसे केहू सूरज के एगो घड़ा में बंद कर देवे। बाकी गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देख के बता सकेली कि सब चमत्कार के रहस्य का है। नंद राय जी, हम इतना पीढ़ी से तू लोगन के वंश के कुल गुरु होके के दायित्व संभरले बैठल हैं। ऐसे हम ही तो कह सकत हैं कि माई भगवती यशोदा के सपना में आके जे भविष्यवाणी कैले हैं कि यशोदा के गोदी जल्दीये भरे वाला है, वो पूरा तरह से साँच है। बाकी देवी रोहिणी वृष्णि वंश के रानी है, वृष्णि वंश के कुलगुरु होके के भार ब्रह्मा जी परम पूजनीय महर्षि गर्ग के सौंपले हैं। इनका बारे में पूरा ज्ञान वहां के ही हो सकेला। फिर भी ए समय ई तोहार आश्रिता है, ता अपन कर्तव्य समझ के ध्यान द्वारा हम इनकर समस्या के उत्तर भी ढूंढे के प्रयास करत हैं।
महामुनि, आपके बुलावे पर हम आ गई हैं। कहीं आपके का समस्या है?